हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर थर्ड चैप्टर दैट इज़ फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडोज एक्सपी। लास्ट हमने पढ़ा था अपने चैप्टर का कि फाइल्स क्या होती हैं, फोल्डर्स क्या होते हैं और हमें उनकी पहचान कैसे होती है, ठीक है। हमने उनका व्यू कैसे चेंज करना है, विंडो का एक्सप्लोर कैसे करना है, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ हमने लास्ट पढ़ी थी। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ फाइल, फाइल को कैसे क्रिएट करना है। यू कैन इंस्टेंटली क्रिएट नेम एंड स्टोर अ न्यू प्रोग्राम फाइल इन द लोकेशन यू वांट विदाउट ओपनिंग अ प्रोग्राम। तो हम अपनी किसी भी फाइल को बिना किसी प्रोग्राम को ओपन किए उसके नेम से या उसकी लोकेशन, ठीक है, हमने कहाँ पे स्टोर करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है, माई कंप्यूटर पे, किसी ड्राइव में करनी है या माई डॉक्यूमेंट्स में करनी है, कहाँ पे, ठीक है। तो वो हम बिना किसी प्रोग्राम को ओपन किए कर सकते हैं। स्टेप वन इज़ डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर वेयर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, क्लिक द टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू क्रिएट। The new file appears with temporary name. Type a name for the new file and then press the enter key. A file name cannot contain the ये जो हमें symbol है that is asterisk, question mark, less than, greater than or characters. So first हमने क्या करना है, my documents को open करना है, ठीक है। उसके अंदर हम गए file में, then हमने यहाँ पे चूज़ किया न्यू आइटम, ठीक है। न्यू आइटम में हमने जोन से भी अपने सॉफ्टवेयर की फ़ाइल बनानी है उसको हमने ओपन कर लेना है। हमने एक्सेस की बनानी है, पेंट की बनानी है, वर्ड की है, पावर पॉइंट है या कोई भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्ड की फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। चलो जो आपके बुक में है एक्सेल की बना लेते हैं। क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आपकी फ़ाइल आ गई। हमने बिना किसी प्रोग्राम को ओपन किए अपने माई डॉक्यूमेंट में अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेम दिया है, जैसे न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इसको हमने चेंज कर लेना है। अगर हम यहाँ पे कोई स्टार या फिर जैसे स्टार या कोई भी हैश करेंगे, देखो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है ना कि हम ये वाले नेम नहीं ले सकते, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं आ रहा ना, वो दे रहा है कि आप ये वाले नेम से फाइल नहीं सेव कर सकते। तो हमने क्या किया, डॉक वन के नेम से सेव कर, देखिए ये सेव हो गई हमारी फाइल। नेक्स्ट है क्रिएटिंग न्यू फाइल ऑन द डेस्कटॉप। अगर हमने डेस्कटॉप के ऊपर अपनी फाइल बनानी है, स्टेप वन क्या है, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑन द डेस्कटॉप, अ न्यू मेन्यू अपीयर्स, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक द टाइप ऑफ योर फाइल वांट टू क्रिएट, टाइप अ न्यू फॉर द न्यू फाइल एंड देन प्रेस एंटर की। सेम वही प्रोसेस है, अगर हमने अपना डेस्कटॉप पे भी बनाना है क्या करना है, इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करना है, ठीक है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी जो भी हमने फाइल किसी भी डॉक्यूमेंट में या ऐप में बनानी है वो चूज़ कर लेंगे। हमने यहाँ पे वर्ड में बनानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारी फाइल आ गई, इसको हमने जिस नाम से सेव करना है उस नाम से सेव कर लेंगे। मैंने GMT के नाम से कर दी, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया। वो हमें पूछ रहा है कि हमने यहीं पे अपनी फाइल को बनाना है, ठीक है, लेकिन ये हमारी फाइल ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट है तो इस नाम से नहीं होएगी, ठीक है। वो साथ में ये भी आपको मैसेज दे देगा, अगर तो हम यहाँ पे यस कर देंगे तो जो हमारी पहली फाइल है वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी, उसके सारे कंटेंट्स खत्म करके जो हम न्यू फाइल बनाएंगे वो वाले कंटेंट्स आ जाएंगे। अगर तो इसमें कोई कंटेंट है तो वो सेव हो जाएगा, अदरवाइज जो हमारे पहली फाइल के कंटेंट वो भी डिलीट होके ये ब्लैंक वाला डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, नो, तो इसको हम कोई और नाम दे देंगे, जैसे मैं इसको दे दूंगी GMT1, ठीक है। अब सेव हो गई हमारी फाइल। अगर हम नेक्स्ट टाइम कोई फाइल बनाएंगे और उसका नेम GMT1 होगा तो फिर हमें यही मैसेज आएगा, क्या हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हम पे डिपेंड है कि हमने उस फाइल को रखना है, उसको रिप्लेस करना है या क्या करना है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ फोल्डर। यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर टू हेल्प यू ऑर्गेनाइज द फाइल स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर, ठीक है। हमने अपनी फाइल्स को
ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका सेम ही प्रोसेस है जैसे हमने फाइल बनाई है। डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फोल्डर वेयर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ठीक है। जिस लोकेशन में हमने माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, डेस्कटॉप, किसी ड्राइव में, ठीक है, जहाँ पर भी हमने अपने फोल्डर को क्रिएट करना है, हम वहाँ पर ये स्टेप्स फॉलो करके कर, जैसे हमने सेम फाइल क्रिएट की है ऐसे ही हमारा सेम फोल्डर का है। सेकेंड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन। द न्यू फोल्डर अपीयर्स विद द टेम्प्रेरी नेम, टाइप अ नेम फॉर द न्यू फोल्डर एंड देन प्रेस एंटर की। सेम हमारा फाइल के जैसे इसका प्रोसेस है, ठीक है। इसको भी हम स्टार, क्वेश्चन मार्क या इन सिंबल से नहीं डोनेट, इसके नेम को सेव कर सकते। नेक्स्ट है क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन दी डेस्कटॉप, इसका भी सेम प्रोसेस है जैसे हमने फाइल बनाई है डेस्कटॉप के ऊपर। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑन योर डेस्कटॉप, अ मेन्यू अपीयर्स, क्लिक ऑन न्यू मेन्यू, क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन, अ न्यू फोल्डर अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्प्रेरी नेम, टाइप अ नेम फॉर द न्यू फोल्डर एंड देन प्रेस एंटर की, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार डेस्कटॉप के ऊपर। जैसे हमारा डेस्कटॉप है तो यहाँ पे देखिए न्यू की ऑप्शन आ गई, तो ये देखिए फोल्डर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोल्डर बाय डिफॉल्ट नाम क्या है उसका, न्यू फोल्डर। तो इसको हमने जिस नेम से भी सेव करना है हम उसको कर सकते हैं। डन। द नेक्स्ट इज ओपनिंग अ फाइल। अब हमने क्रिएट करनी सीख ली है, ठीक है। अब ओपन कैसे करना किसी फाइल को, यू कैन ओपन अ फाइल टू डिस्प्ले इट्स कंटेंट्स ऑन योर स्क्रीन। Opening a file allows you to review and make changes in the file. You can open folders in the same way you open files. अगर हमने किसी फोल्डर को ओपन करना है, फाइल को ओपन करना है, तो उसका सेम ही वे होता है, ठीक है। जहाँ पे भी हमारी फाइल पड़ी है, जिस लोकेशन पे, ठीक है, हम वहाँ से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। द स्टेप वन, डबल क्लिक द फाइल यू वांट टू ओपन, द फाइल ओपन्स। नाउ यू कैन रिव्यू एंड मेक चेंजेस टू द फाइल। व्हेन यू फिनिश वर्किंग विद द फाइल, क्लिक ऑन क्लोज टैब बटन टू द फाइल। तो हमने कैसे ओपन करनी है, मान लो हमने ये वाली फाइल अपनी ओपन करनी है, ठीक है, हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके भी उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। और जहां पे हमारी फाइल है, मान लो हमारी डेस्कटॉप के ऊपर फाइल है, इस पे हमने डबल क्लिक करना है, ठीक है, और हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। अब इसमें हमने ब्लैंक फाइल है, हमने कुछ भी नहीं किया, यहां पे हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हेलो स्टूडेंट्स। डन। इसका हमने फॉन्ट चेंज करना है, साइज बड़ा कर दिया हमने, फॉन्ट चेंज करना है, कोई भी हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सेव करके, ये हमारा क्लोज का बटन है रेड वाला, जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या है, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। क्लोज कर दिया, डन। अब है डिलीटिंग अ फाइल। यू कैन डिलीट अ फाइल विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, रिमेंबर द डिलीट फाइल गोज टू रिसाइकल बिन। जब हमें किसी फाइल की नहीं जरूरत, अब हमें पता है कि हमारी ये जो GMT1 वाली फाइल है इसकी हमें नहीं जरूरत, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। और हमें पता है कि जब हम अपने कंप्यूटर में से कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन में, जहाँ से हम उसको, अगर कोई फाइल हमारी गलती से डिलीट होगी, मैंने ये वाली फाइल डिलीट कर ली कि हमारी ये वाली फाइल डिलीट होगी, तो हम क्या करेंगे, रिसाइकल बिन में जाके उसको रीस्टोर कर लेंगे। लेकिन अगर हमें नहीं फाइल चाहिए तो हम उसे परमानेंटली रीस्टोर में से डिलीट कर देंगे, फिर हम अपनी रिसाइकल बिन से डिलीट कर देंगे और फिर हम उस फाइल को रीस्टोर नहीं कर सकेंगे। तो इसके स्टेप्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। क्लिक द फाइल यू वांट टू डिलीट, क्लिक ऑन डिलीट दिस फाइल, द कंफर्म फाइल डिलीटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक ऑन यस टू डिलीट द फाइल। अगर मैंने इसको डिलीट करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन आई, ठीक है, तो ये हमें एक सॉरी इसमें मैसेज नहीं आया, ठीक है। वैसे मैसेज आता है कि क्या आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हो, तो हम उस पर यस कर देते हैं और हमारी फाइल रिसाइकल बिन में आ गई, देखो GMT1 की। अगर मैंने यहाँ पे इसको रीस्टोर करना है तो हम रीस्टोर कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको परमानेंटली डिलीट कर देंगे, ठीक है। देखिए मैंने इस फाइल को क्लिक किया और यहाँ पर हमारी आ गई रीस्टोर ऑल आइटम्स, ठीक है, या रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम, जो हमने सिलेक्ट किया सिर्फ वही रीस्टोर होएगी, या हम अगर रीस्टोर ऑल पे करेंगे तो सारी फाइल्स रीस्टोर हो जाएंगी।
रिसाइकल बिन प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो भी हमारी होंगी एम्प्टी रिसाइकल बिन, सारे के सारे फाइल्स डिलीट हो जाएगा और हमारा रिसाइकल बिन एम्प्टी हो जाएगा।